गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिथिक हेयर शैम्पू का रिव्यू। ये एक्चुअली मिथिक ऑयल का एक रेंज आता है जो आपको सलून में मिलेगा। आप क्योंकि जानते हो मैंने भी स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कर चुकी हूँ, नॉट स्ट्रेटनिंग, तो उसके बाद से मैं काफ़ी शैम्पूज़ एंड कंडीशनर्स ट्राई कर रही हूँ जो यू नो केराटिन ट्रीटमेंट के लिए अच्छे हो। मैंने एक्सटेंसो का रिव्यू किया था, आई डिडंट लाइक दैट रेंज बिकॉज उससे काफ़ी हेयर फॉल हुआ। मैंने बीसी रिपेयर रेस्क्यू रेंज का रिव्यू किया है। Somehow keratin based shampoos were not suiting me, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा you know oil वाले shampoo use करूँ, क्योंकि जो बाल है length में वो dry रहते हैं लेकिन scalp oily रहता है। तो मैंने सेंट बॉटनी का आर्गन ऑयल shampoo का भी review किया है, मुझे वो shampoo actually अभी बहुत अच्छा लगा। ये shampoo मैं उसके पहले ला चुकी थी, इसका review काफ़ी दिन से pending था, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ इतना ही ख़त्म किया है, उसके बाद मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये शैम्पू लगा कि सूट नहीं हो रहा है। ये एक डिस्क्लेमर है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं आप गलत रिव्यू दे रहे हो, तो हमेशा जो रिव्यूज़ होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर करते हो, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। रिव्यू कब काम आएगा आपको? जब आपको सिमिलैरिटी लगेगी मेरे बालों के टाइप में और आपके टाइप में, तो शायद आपको ये सिमिलर लगे और आपको लगे कि हाँ ये रिव्यू हेल्पफुल है। तो बेसिकली इसका पैकेजिंग चेंज हो चुका है, पहले जो पैकेजिंग था वो शायद पंप वाले यू नो कंटेनर में आता था, तो ये नया पैकेजिंग है। अभी तो फ़िलहाल मुझे यही लग रहा है कि ये एक पैकेजिंग फ़िलहाल अवेलेबल है। इसके साथ आपको मिलता है मिथिक ऑयल का मास्क। कंडीशनर मैंने इसलिए नहीं लिया इसके साथ ताकि मैं पहले शैम्पू यूज़ करना चाहती थी और देखना चाहती थी, और फिर मेरे पास ऑलरेडी एक्सटेंसो का हेयर मास्क है, बीसी रिपेयर रेस्क्यू का हेयर मास्क है, विटामिनो कलर प्रोटेक्ट का हेयर मास्क है, सो आई कैन कम्बाइन इट विद दिस, तो इसलिए मैंने इसका हेयर मास्क नहीं लिया। बट अगर आप ये पूरी रेंज ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन गो अहेड विद द मास्क एंड दिस शैम्पू। आई हैव हर्ड कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका नेट कंटेंट है 250 ml, ये 875 की बॉटल है, काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है ये, और 3 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिलेगी। ये फ्लिप टॉप है तो कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, और इसको आप देख सकते हो काफ़ी वाइट ट्रांसपेरेंट जेल कंसिस्टेंसी है इसकी इस तरह से, तो यू कैन सी कि कितना प्रोडक्ट बचा है। इसमें बेसिकली सल्फेट है जो यू नो सोडियम सल्फेट कहते हैं जिसको, जो काफ़ी मतलब लोग कहते हैं कि SLS फ्री शैम्पू होना चाहिए, लेकिन ये SLS फ्री शैम्पू नहीं है, और इसमें पैराबेंस तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, बाकी सब ठीक है, बट इट हैज़ SLS। काफ़ी रिफ्रेशिंग फ्रैग्रेंस है, फ्रैग्रेंस वाइज तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। यू विल फील नाइस व्हेन यू यूज़ दिस शैम्पू। देयर आर टू नॉर्मल वेज, लाइक फर्स्ट वन इज़ डायरेक्टली यूज़ द शैम्पू एंड जस्ट लैदर इट अप, मतलब आप इसको झाग बना के यूज़ करो डायरेक्टली। अगर आपको लगता है कि ये शैम्पू काफ़ी हार्श है या फिर आपको डाइल्यूट करने की ज़रूरत है, तो आप इसको डाइल्यूट कर सकते हो वाटर पानी के साथ, तो आप इसको मिक्स करो पानी के साथ एंड देन जस्ट वॉश योर हेयर। कभी कभी जब मेरा स्काल्प काफ़ी ऑयली होता है तो मुझे 2 बार इसको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी माइल्ड है, ऑयल बेस्ड शैम्पू है, तो एक बार में आई डोंट फील इट क्लींजेस माई स्काल्प, तो मैं 2 बार यूज़ करती हूँ। तो अगर सिर्फ शैम्पू की बात की जाए तो मुझे ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। पहली बात क्लीनिंग वाइज ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा, दूसरी बात मतलब जस्ट इन वन वॉश, दूसरी बात ये है कि अगर आप देखो आपके बालों को आफ्टर वॉश जब वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, तो आपको फील वाइज तो हाथ लगाने के बाद वो सॉफ्ट लगते हैं, बट जब आप देखते हो तो ड्राई ड्राई से लगते हैं, फ्रिजी फ्रिजी से लगते हैं, तो लुक वाइज मुझे वो पसंद नहीं आया, इट डजंट लुक हेल्दी, तो मुझे सीरम लगाना पड़ा उसके बाद, अदरवाइज वो काफ़ी ड्राई ड्राई से और अच्छे नहीं लगे मुझे। तो अगर आप ये शैम्पू लेते हो तो आई थिंक आपको इसके साथ सेम रेंज का आइदर मास्क लेना चाहिए, या हमेशा इसके साथ आपको कोई ना कोई कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, और अगर आप कंडीशनर नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके बाद सीरम की ज़रूरत लगेगी ही लगेगी। तो इसलिए मुझे ये ना वो होता है ना,
फील नहीं होता वो शैम्पू कि हाँ बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे ये ठीक ठाक लगा एंड मैं इसको फिर से रिपर्चेस नहीं करूँगी क्योंकि इसमें SLS भी है और काफ़ी महंगा भी है। और अगर आपके पास ये है और आपको भी सूट नहीं हो रहा है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको हेयर मास्क के साथ लगा के ख़त्म करो ताकि यू नो यू डोंट वेस्ट द प्रोडक्ट। और अगर आपको ये सूट हो रहा है, बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है आपके बालों पे, तो इट्स रियली गुड थिंग, यू कैन शेयर दैट टू विद मी। तो ये है मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में, होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।